हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 2 घंटे में दूसरी बार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि आज का वीडियो गाइस 2 ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर है जो फ्री फायर में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। सबसे पहला, इलाइट पास डिस्काउंट में कब आएगा, और मैं एकदम परफेक्ट डेट बताऊँगा, क्या रीज़न है नहीं आने का ये भी बताऊँगा। और दूसरा गाइस, कि बहुत लोगों को डायमंड रिस्ट्रिक्शंस लग रहा है, ये है क्या, इससे कैसे बचे फ्यूचर में, और अगर जिसको लगा है इसको कैसे हटाए, ये सब मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और हो सके तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोग कहीं से भी इस चैनल पर क्लिक करके नए आए हो या तो पुराने हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया गाइस, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दे, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। और गाइस, हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा आए, पार्टिसिपेट करे गिव अवे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। गाइस, एक बार सब्सक्राइब कर दो, और ये जो घंटा है इसको ऑल पे सेट कर दो। हाँ, तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे इलाइट पास की, और दूसरा और उसके बाद बात करेंगे डायमंड रिस्ट्रिक्शंस की, कि ये चीज़ है क्या, ये क्यों लगी है, इसको कैसे हटाएं। तो सबसे पहले गाइस, इलाइट पास मैंने अभी रिसेंटली गाइस बहुत लोगों के चैनल्स पे देखा कि उन लोग फ्री फायर को गाली दे रहे कि इलाइट पास डिस्काउंट में क्यों नहीं दिया, क्या रीज़न है, ये वो फलाना ढिमकाना। आप सभी लोग जानते हो गाइस कि स्पेशल एड ड्रॉप को लेकर भी यही चीज़ हुआ था, बट जो मैंने बोला था कि 24 तारीख से आप लोगों को एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा, वो आप लोग को देखने मिला। तो इलाइट पास के बारे में भी मैं कुछ बोलने वाला हूँ, क्योंकि यार इसके लिए ना दिमाग चाहिए, लोग को पहले का भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ गाइस, जब भी ओबी का अपडेट आया है पहले भी जाके देख लो, इलाइट पास में देरी हुई है, इलाइट पास में देरी हुई है, क्योंकि ओबी का अपडेट बहुत ही बड़ा है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई दूसरे सर्वर्स में इलाइट पास का डिस्काउंट आया है, अरे भाई आप इंडियन सर्वर को दूसरे सर्वर के साथ कंपेयर करते हो, इंडियन सर्वर में दिन के कितने मिलियन लोग फ्री फायर खेलते हैं, जो दूसरे सर्वर में वहाँ पे उतनी जनता भी नहीं है। तो आप खुद सोचो गाइस कि कंपैरिजन क्या है, और वहाँ पे जो इवेंट दिया है इंडिया में वैसा इवेंट नहीं आ सकता है। इंडिया में या तो आपको 50% डिस्काउंट आएगा, या तो आपको व्हील ऑफ डिस्काउंट आएगा, ऐसे सब इवेंट आएंगे, बट कभी आएंगे 26-27 को आएंगे, देख लेना गाइस। कल एक इवेंट आएगा, बहुत ही अच्छा इवेंट आएगा, जो आप लोग को पसंद भी आएगा। और गरीना फ्री फायर ऐसा तो नहीं है कि इवेंट नहीं दे रहा है, अभी जो नया बंडल का इवेंट दिया वो दूसरे सर्वर में हमको देखने को नहीं मिला है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो क्रिकेट का उन लोग ने बंडल दिया है वो दूसरे सर्वर में आप लोग को गोल्ड स्पेंड करना है, यहाँ पे तो आप लोग शेयर करके यार, तो आप लोग शेयर भी नहीं करोगे तो भी 4 मिलियन हो जाएगा, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत। तो अगर गरीना फ्री फायर ऐसे ऐसे इवेंट इंडियन सर्वर में दे रहा है, अगर ये बार इलाइट पास नहीं दिया तो क्या हो गया, अगली बार दे देगा। और इस बार का इलाइट पास इतना खास भी नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इलाइट पास हम लोगों को 26 या 27 तारीख को देखने को मिल सकता है, मतलब कल या परसों देखने को मिल सकता है। मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा है कि इस महीना आएगा, और मैं दुखी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं गेम बस इलाइट पास के लिए नहीं खेलता हूँ, मैं गेम इन्जॉयमेंट के लिए खेलता हूँ। जब तक आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ नहीं हटाओगे ना कि आपको गेम बस इन्जॉयमेंट के लिए खेलना है, ना कि किसी इलाइट पास के लिए, ना कि डीजे आलोक के लिए, समझ में आ रहा है, वो चीज़ दिमाग से हटाओ, फिर देखो गेम आपको कितना पसंद आएगा। अब बात करते हैं गाइस इस चीज़ की। अब आप लोग बोलोगे गेम गॉड भाई इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हो, तो भाई कल मैं एक्चुअली सोने गया अराउंड 11 o'clock और 12 o'clock, तो मैं अपना स्टैट्स चेक करके सोता हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ही इशू हो रहा है यूट्यूब में। तो मैं जब चेक कर रहा था तो मेरे पुराने वीडियो में, मैंने 5 महीना पहले ये वीडियो डाला डायमंड रिस्ट्रिक्शंस का, तो भाई उसमें अचानक से व्यूज़ आना चालू हो गए, मतलब कल तक उसमें 30,000 व्यूज़ थे, आज उसमें 40,000 हो गए। तब मेरे को समझ में आ गया कि भाई बहुत लोगों को डायमंड रिस्ट्रिक्शंस लगा है, एंड बहुत लोग ये पूछ रहे हैं भाई ये है क्या चीज़। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइज, ये इस रीज़न की वजह से लगता है कि आपने डायमंड बाय किया है, उसके बाद आपने गूगल में जाके उसको रिफंड कर दिया। अभी बहुत लोग बोलेंगे भाई ऐसा कैसे होता है, अब भाई वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, बट मैं आप लोग को बताता हूँ कि डायमंड रिस्ट्रिक्शंस लगना बहुत कारण है। एक, आपने गूगल प्ले स्टोर से डायमंड्स बाय किए फ्री फायर में, उसके बाद आपने वहाँ पर जाके रिफंड कर लिया, एक वो हो गया। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ,
एक मिनट रुक जाओ। दूसरा है जैसे कि ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब्सक्रिप्शंस हो गए, ये सब्सक्रिप्शंस आप लोग को हर महीना लेना पड़ता है। अगर आप लोग ने एक महीने का लिया, दूसरा महीना भूल गया, तो आप लोग को डायमंड रिस्ट्रिक्शंस लगेगा। उसके बाद आता है गाइज वीकली मेंबरशिप का। आप लोग ने वीकली मेंबरशिप लिया, ठीक है, उसके बाद गूगल प्ले स्टोर में जाके 159 का रिडीम कर लिया। अभी आप बोलोगे भाई मैंने तो 159 का रिडीम किया तो मुझे तो कम से कम 200 डायमंड का लगना चाहिए था, बट मुझे 450 का लगा। ये क्यों? क्योंकि भाई वीकली मेंबरशिप में 420 डायमंड आते हैं 159 रुपीज़ में। तो यही सब कारण है गाइज कि आप लोगों को डायमंड रिस्ट्रिक्शंस लगा। और दूसरी चीज़ गाइज, आप लोग अपनी आईडी अपने किसी दोस्त को दे देते हो जो गलत इस्तेमाल कर देता है और आप लोग को मालूम भी नहीं पड़ेगा और आप लोग को डायमंड रिस्ट्रिक्शंस लग गया। ये सब कहने से पहले गाइज अपनी आईडी पहले तो कोई भी किसी भी यूट्यूबर को मत दो, भले हो 10 मिलियन पे हो, 2 मिलियन पे हो, किसी को भी मत दो, ठीक है। आप दोगे उन लोग गूगल से ये करेंगे, उनका फ़ायदा ही है, ठीक है, उनका नुकसान नहीं है, उनका फ़ायदा है, उनको सब्सक्राइबर मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, आपको डायमंड्स आएंगे, फिर 2 महीने के बाद जैसे ही ओबी का अपडेट आएगा आपको डायमंड रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। इसके ऊपर मैं पोल खोलूँगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऐसा कांड किया है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, छोटे मोटे नहीं गए, बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये कांड किया है। तो मैं आप लोग से एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ अपनी आईडी किसी को भी मत दो। अब इसको कैसे हटाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं भाई कि इसको किस तरीके से हटाए। तो भाई इसके लिए आप लोग को डायमंड टॉपअप करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, इसके लिए आप लोग को डायमंड टॉपअप करना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो पे मुझे 500 के ऊपर लाइक्स आते हैं तो मैं आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप लोग ईजीली, अगर आपको 1000 का भी लगा है डायमंड रिस्ट्रिक्शंस, तो आप लोग 3 या 4 दिन में पार कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। गेम गॉड पे विश्वास करो, आज तक मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया है, ठीक है, किसी का भी। एक दो लोग रहेंगे जो कि बहुत बोलते हैं उनका बुरा किया जाएगा मतलब ऐसा भी नहीं बुरा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा रहेगा, बट अगर कोई पहुँचा है तो नीचे लिख दो बस वी लव यू गेम गॉड, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कौन कौन मेरा वीडियो पूरा देखता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एंड गाइस बस 3 दिन रुक जाओ, घर पूरा रेनोवेट हो जाएगा एंड उसके बाद तुरंत ताबड़तोब लाइव में गिव अवे चालू हो जाएगा। इस बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।